कम प्राइस पर बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, रियलमी यही करने वाला है रियलमी C3 को लॉन्च करके, यानी कि कम प्राइस पर अच्छी स्पेसिफिकेशन इस फोन में देखने को मिलेंगी। ये फोन रियलमी C2 का अपग्रेड होगा। पिछले काफी दिनों से इस फोन के बारे में लीक्स आ रहे थे, लेकिन अब इस फोन की ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुकी हैं, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। रियलमी C3 की ऑफिशियल लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है, यानी कि 6 फरवरी को ये फोन लॉन्च किया जाएगा। इस फोन को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया गया है, तो अगर आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे तो फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। प्राइस के अकॉर्डिंग ये फोन काफी अच्छा होने वाला है। इस फोन का काफी लोगों को इंतजार है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कम प्राइस में बेहतर स्पेसिफिकेशन वाला फोन खरीदा जाए। रियलमी C1 और रियलमी C2 के कंपेयर में इस फोन की कैमरा पोजीशन में बदलाव किया गया है। इस फोन में वर्टिकल एलाइन कैमरा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रियलमी C सीरीज के अब तक 10 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन बेचे जा चुके हैं, और रियलमी C3 से भी यही उम्मीद की जा रही है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फोन काफी तेजी के साथ मार्केट में अपनी पकड़ बनाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फोन की डिटेल के साथ इस फोन के प्राइस के बारे में इस छोटे से वीडियो में। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। शुरुआत करते हैं इस फोन के डिस्प्ले से। तो इस फोन में 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल का, और पिक्सल डेंसिटी होगी 270 पिक्सल पर इंच की। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा लगभग 89.9%। डिस्प्ले में वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, और स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन के बैक पैनल पर दिया गया है। काफी पावरफुल बैटरी इस फोन में दी गई है, जो है 5000 mAh की। इसका स्टैंड बाई टाइम 30 दिन और कॉलिंग टाइम 43.9 घंटे, म्यूजिक स्ट्रीमिंग 19.4 घंटे, यूट्यूब 20.8 घंटे और पबजी प्ले टाइम 10.6 घंटे होने का दावा किया जा रहा है। फोन के बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर है f1.8। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, जिसका अपर्चर है f2.4। सेल्फी कैमरा के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फोन में दिया जा सकता है। कैमरा में क्रोमा बूस्ट, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग, HDR मोड और पैनोरोमा सेल्फी फीचर दिया गया है। इस फोन में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉइड 10 बेस्ड ColorOS 7 दिया जा सकता है। परफॉर्मेंस वाइज ये फोन काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस फोन में MediaTek Helio G70 चिपसेट दिया गया है। ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें 2 Cortex A75 कोर्स हैं, जिनकी क्लॉक स्पीड है 2.0 GHz की, और 6 Cortex A55 कोर्स हैं, जिनकी क्लॉक स्पीड है 1.7 GHz की। ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए इसमें माली G52 GPU दिया गया है। 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज, यानी कि 2 वेरिएंट में ये फोन लॉन्च किया जाएगा। इस फोन का प्राइस होगा लगभग 9 या 10 हजार रुपए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।